हे व्हाट्सअप फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। दोस्त, मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप देख रहे हैं अनमोल ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो गैज, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दोस्त, आप विदाउट स्किप की इस वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। एंड गैज, वीडियो लंबी हो सकती है तो सो सॉरी, थोड़ा बोरिंग हो सकती है। वैसे भी दोस्त, टैग की वीडियो बोरिंग होती है बट नॉलेजफुल होती है। अगर दोस्त आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, रिसेंटली यार 25 मिलियन प्लस फोन इन्फेक्टेड हो गया एक वायरस के कारण, जो न्यूज़ आ रहा है। एंड गाइज, उस वायरस का नाम है एजेंट स्मिथ, ठीक है। उस वायरस का नाम है एजेंट स्मिथ। ऐसा बोला जा रहा है कि जो डेवलपर है उसी का नाम एजेंट स्मिथ है, या जो भी बात है मुझे नहीं पता, पर ये वायरस का नाम एजेंट स्मिथ रखा गया है। इस वायरस का क्या काम है मैं आपको बता दूँ। अगर आप दोस्त कोई भी थर्ड पार्टी जगह से कोई भी मतलब अनसिक्योर ऐप को डाउनलोड करते हो, या कोई क्रैक हैक प्रो जो फ्री अवेलेबल होता है थर्ड पार्टी जगह पे, प्ले स्टोर को छोड़ के या एप्पल स्टोर को छोड़ के आप डाउनलोड करते हो, तो उसमें बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन जिसमें वो वायरस आ रहा है, इन्फेक्टेड है। तो आपको लगेगा कि मैं यूज़ करके छोड़ दूंगा, मतलब अनइंस्टॉल कर दूंगा, सेफ हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्त। क्यों दोस्त? इस वायरस का मतलब इतना बड़ा ये एडवांस है वायरस कि आप एक बार इंस्टॉल कर लिए तो ये आपके फ़ोन में वायरस आ जाएगा, ना कि उस ऐप में रहेगा। और वो क्या करेगा, आप अनइंस्टॉल भी कर दोगे, वो वायरस सारी ऐप को इन्फेक्टेड करेगा, सारी ऐप को ख़राब कर देगा। एज ए एग्जांपल ले लो व्हाट्सअप, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कोई भी अच्छा एप्लीकेशन हो, ठीक है। इसका काम क्या है कि जब ये आपके फ़ोन में आ जाएगा, आपके फ़ोन में मल्टीपल एड्स आएंगे, पॉपअप एड्स आएंगे, ऑटोमेटिक आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा। ये मतलब मैं ये बता रहा हूँ, ये जब आपका फ़ोन हैक होता है या कोई किसी के हाथ में रिमोट हो जाता है, ये सब उसका लक्षण होता है। मतलब पॉपअप एड्स आना, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना, ऑटोमेटिक हीट होना, कुछ भी आप करो वो क्रैश हो जाएगा। जैसे कुछ भी गेम चला रहे हो या कोई भी ब्राउजिंग, ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, बैक हो जाएगा, होम पेज पे आ जाएगा। जब आपका फ़ोन रखा भी रहता है तो भी वो हीट होता है। हीट फ़ोन या कुछ भी हीट तभी होता है जब वो वर्क करता है। आपका फ़ोन रखा ही हुआ फिर भी हीट रहा, क्यों? क्योंकि यार जो उस वायरस का डेवलपर है वो आपके फ़ोन को रिमोट कर रहा है और आपका सारा डेटा इन्फॉर्मेशन को ले रहा है। अब आपके मन में ये होगा कि यार ये डेटा इन्फॉर्मेशन से उस डेवलपर का क्या फ़ायदा होने वाला। मैं आपको बता दूँ, सीधा सरल में बताता हूँ ज़्यादा हिंदी बात कर रहा हूँ, कि आप कहीं पे अमेज़ॉन पे गए मान लो, और आप वहाँ पे एक वॉच सर्च की और वॉच आप ख़रीदे, आप उसी टाइप का फारा प्रोडक्ट को मतलब देखें, अच्छा लगा आपको क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, इसलिए आप उस प्रोडक्ट को देख रहे हो। और ये बात डेवलपर को पता चल जाएगा क्योंकि आपका फ़ोन उसके पास पूरा मतलब कैप्चर है, आपका फ़ोन हैक है। तो वो क्या करेगा, जो वो वॉच वाला है उसी प्रकार के मतलब जो कंपनी वाला है वॉच का, उसको आपका इन्फॉर्मेशन बेचेगा और बताएगा कि इस बंदे का इंटरेस्ट इस ऐसा प्रोडक्ट में है। तो वो क्या करेगा, जब भी आप ब्राउजिंग करोगे तो उसी टाइप का प्रोडक्ट आपको सामने पॉपअप विंडो में आएगा, आपके सामने एड्स आएगा। आप भी जान लोगे, आप एक्सपीरियंस किए होंगे शायद, अगर आप ध्यान देंगे तो, जब भी आप कुछ ख़रीदते हो और फिर उसके बाद कुछ ब्राउजिंग करते हो या फेसबुक या कहीं भी रहते हो, तो क्या होता है, उसी टाइप का, जैसे आप एक टी शर्ट लिए, ठीक है, तो क्या करो, क्या होगा, जब भी आप कहीं पे मतलब ब्राउजिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसी टाइप का एड्स आपके सामने दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यार अमेज़ॉन आप यूज़ किए तो अमेज़ॉन वाला डेटा उस डेवलपर को बेचता है, उस प्रोडक्ट वाले को बेचता है, और वो उसी के अनुसार आपका ऐड आता है। तो वो तो ठीक है, बस वो आपका इंटरेस्ट जान रहा है, लेकिन जो हैकर जो आपका डेटा लेता है उसका बहुत सारा गलत यूज़ कर सकता है, चाइनीज मार्केट में बेचा जाता है। अब मान लो आप फेसबुक पर पर्सनल चैट कर रहे हो, व्हाट्सएप पर पर्सनल वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कुछ भी हो यार, तो क्या होगा, वो आपका वीडियो को चाहे तो रिकॉर्ड भी कर सकता है और उसको पब्लिश भी कर सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है। मतलब आपको यार, आप अनसिक्योर, आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होता है कि अब वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये थर्ड पार्टी जगह से होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, शायद आया होगा कि मैं काइन मास्टर से वीडियो बनाता हूँ तो उसका वाटर मार्क आता है मेड बाई काइन मास्टर, तो मैं चाहते उसको हटा सकता हूँ। दो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं लीगली प्रो खरीद लूँ रुपया पे करके, या मैं क्रैक या मोड वर्जन डाउनलोड कर लूँ। ना मुझे रुपया देने का मन है, ना मुझे क्रैक वर्जन डाउनलोड करने का मन है, क्योंकि यार अनसिक्योर है, कुछ भी हो सकता है। मन में आ रहा है छोटी सी बात है, लेकिन यार छोटी सी बात ही बहुत बड़ा बात बवाल कर देती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार कि आप कभी क्रैक या कोई भी हैक्ड वर्जन यूज़ मत करो। मैं भी करता था, लेकिन यार मैं आप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास प्रो ऐप अभी भी है, इंस्टॉल नहीं, मैं उसको डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास फाइल में रखा हुआ है, मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप गाइस प्ले स्टोर वाले पे यूज़ करो। आपके मन में आ रहा है कि यार प्ले स्टोर पे ये सब प्रो क्यों नहीं मिलता है, मतलब ये सब हैकिंग वाला प्ले स्टोर पे क्यों नहीं आता, क्योंकि यार प्ले स्टोर का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, जो वो क्रैक हैक्ड गेम या जिसमें वायरस होता है वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्ले स्टोर उसको नहीं रखता है। एंड मैं एक बात बताऊँ यार, प्ले स्टोर पे भी कम से कम 30-40 या पता नहीं 25 ऐसा ऐप था जो उस वायरस से इन्फेक्टेड था, और प्ले स्टोर उसको फाइंड किया और उसको रिमूव किया है। तो कुछ गाइस आप ये एग्जांपल देख लो, कुछ आप स्क्रीनशॉट देख लो, ये इस टाइप का ऐप्स है, अगर आपके फ़ोन में है या आप कहीं देखते हैं तो इस टाइप का इंस्टॉल मत करिए।
आप देख रहे गाइस जो ये सीन इस टाइप का ऐप्स है, और भी बहुत सारे ऐप्स है यार, उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता, लेकिन यार नॉर्मल जितना मुझे बारे में पता चला है, मुझे जितना पता चला है वो सारा एप्लीकेशन हैक्ड है, क्रैक्ड है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कोई भी थर्ड पार्टी जगह से एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर, ये दो जगह अच्छा होता है, आप यहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और कहीं से इंस्टॉल मत करिए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर गाइस थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, यूज़फुल लगी है तो सिर्फ आप ही मत देखिए, दूसरे को भी इन्फॉर्मेशन दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए, और अच्छा लगा तो यार लाइक भी कर देना। एंड गाइस अभी तक आप चैनल पर गेस्ट हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।